नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल क्विक स्टडी किंग पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के उन प्रश्नों की जो कि आपकी राजस्थान के एग्जाम्स में बार बार रिपीट हुए हैं। और दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूले, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। और दोस्तों हमारे न्यू अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने मटर के अलावा एक और पादप पर कार्य किया, वह पादप था। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, हाल ही की राजस्थान के एलडीसी के एग्जाम में ये पूछा गया था। तो दोस्तों हम सबको पता होता है दोस्तों उन्होंने मटर के पेड़ पर कार्य किया था, लेकिन दोस्तों और किस प्लांट पर उन्होंने कार्य किया? दोस्तों वो था हिरेसियस। दोस्तों हमें याद रखना है मटर के अलावा उन्होंने किस प्लांट पर कार्य किया था? हिरेसियस नामक पौधे पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, दोस्तों किसमें होती है? वसा में। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है वसा में। दोस्तों इसके बारे में कुछ बातें हमें याद रखनी है, वो हम देख लेते हैं। दोस्तों फर्स्ट बात तो यही है कि भोजन के वर्ग में वसा में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। साथ में हमें ये भी याद रखना है दोस्तों कि वो कितनी होती है, तो एक ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी होती है। और साथ में हम बात करें तो एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन में, तो इनमें होती है 4 किलो कैलोरी। ठीक है दोस्तों, तीनों बातें याद रखनी है, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है वसा में, और कितनी होती है 9.3 किलो कैलोरी, एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन में होती है 4 किलो कैलोरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों इनमें से कौन सा विटामिन घाव के भरने में सहायक है? दोस्तों कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन सी। ठीक है, यदि हमसे पूछा जाए दोस्तों संक्रमणों से लड़ने में कौन सा विटामिन सहायक है, दोस्तों तो हमारा आंसर होगा विटामिन ए। दोस्तों दोनों बातें याद रखनी है, घाव भरने के लिए कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन सी। और संक्रमणों से लड़ने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन ए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्नलिखित रोगों में से एक जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं होता है, तो दोस्तों ये कौन सा रोग नहीं होता है? टाइफाइड पानी के प्रदूषण की वजह से होता है, हेपेटाइटिस बी होता है, हैजा भी होता है, लेकिन पीलिया बिलरुबिन की अधिकता के कारण होता है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी पीलिया। दोस्तों इसके बारे में हमें कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों ये अभी हमने देखा कि टाइफाइड, हेपेटाइटिस बी और हैजा ये पानी के प्रदूषण की वजह से होते हैं, लेकिन पीलिया है वो बिलरुबिन की अधिकता के कारण होता है। दोस्तों बिलरुबिन क्या होता है? बिलरुबिन आरबीसी में पाया जाने वाला एक वर्णक होता है जिसे हमारा यकृत यानी लीवर कंट्रोल करता है, और जब लीवर में कोई प्रॉब्लम किसी भी तरीके की खराबी आ जाती है तो वो बिलरुबिन की मात्रा को कंट्रोल नहीं कर पाता और शरीर में बिलरुबिन की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण पीलिया नामक बीमारी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये सारी बातें दोस्तों अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। दोस्तों अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? दोस्तों अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? ओमेगा 3 बसी अम्ल का, अलसी में होता है ओमेगा 3 बसी अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दोस्तों विश्व महामारी H5N1 इन्फ्लुएंजा को कहते हैं? दोस्तों H5N1 इन्फ्लुएंजा को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी बर्ड फ्लू। दोस्तों इन दोनों को लेकर बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज रहते हैं, बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू को लेकर। दोस्तों हम दोनों के बारे में जान लें कि दोनों किस किस वायरस के कारण होते हैं। दोस्तों जो बर्ड फ्लू होता है, अच्छे से याद रखना है, बर्ड फ्लू होता है H5N1 वायरस के कारण, और स्वाइन फ्लू होता है H1N1 वायरस के कारण। दोस्तों एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना इनको लेकर, बर्ड फ्लू H5N1 और स्वाइन फ्लू होता है H1N1 वायरस के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दोस्तों मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है? दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये डिस्कस किया था, तो दोस्तों हम देख लेते हैं इसके बारे में कि कौन सा है। दोस्तों संक्रमण से लड़ने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन ए। ठीक है, और घाव बनने वाला विटामिन है विटामिन सी। ठीक है दोस्तों, दोनों बातें अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दोस्तों पानी में निम्न में से एक की अधिक मात्रा से उपस्थित ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, तो दोस्तों किसकी अधिक मात्रा से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो दोस्तों हम इसके बारे में जान लेते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या है। तो दोस्तों जब पानी में नाइट्रेट्स की अधिकता होती है तो जब बच्चे उसके संपर्क में आते हैं तो उनका कलर ब्लू कलर का हो जाता है, इसलिए इसे ब्लू बेबी सिंड्रोम
कहा जाता है। काफ़ी जानलेवा बीमारी होती है दोस्तों, और ये बच्चों में पाई जाती है, इसलिए इसे ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है, क्योंकि उनका कलर इसमें ब्लू कलर का हो जाते हैं वो। और किसके पानी में नाइट्रेट्स की अधिकता के कारण, तो आपको ध्यान रखना है, आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, नाइट्रेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। पराजीर्णी फसल स्वर्ण चावल मतलब गोल्डन राइस किस पांचनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? तो दोस्तों ये की गई है विटामिन ए, विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए स्वर्ण चावल गोल्डन राइस का गोल्डन राइस को तैयार किया गया है। और दोस्तों साथ में हमें ये भी याद रखना है कि जो गोल्डन राइस है वो ओरिबा सेटिबा चावल की एक किस्म है। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि गोल्डन राइस किस चावल की किस्म है, तो ये किसकी है? ओरिबा सेटिबा चावल की एक किस्म है। ठीक है, जो विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है। इस तरीके के क्वेश्चन भी दोस्तों एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है मकड़ी में कितनी होती है? 8 टांगे। ठीक है दोस्तों, मकड़ी में होती है 8 टांगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है? तो दोस्तों ये होती है विटामिन के कारण। ठीक है, ये दोस्तों विटामिन के रक्त में पाए जाने वाले प्रोथ्रोम्बिन रक्त में पाए जाने वाले प्रोथ्रोम्बिन के साथ मिलकर रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं, दोस्तों किसके बने होते हैं ये? ऑप्शन बी, कवक एवं शैवाल से। ठीक है, लाइकेन दोस्तों एक सहजीवी होता है जो कवक और शैवाल से निर्मित होता है। ठीक है, अच्छे से याद रखना दोस्तों, कवक और शैवाल से निर्मित होते हैं लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कोशिका में जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त की जाती है, दोस्तों कोशिकाओं में जैविक क्रियाओं के लिए, ये दोस्तों आपके एक टॉपिक है केव्स चक्र, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों हमें याद रखना है कोशिका में जैविक क्रियाओं के लिए किस फॉर्म में ऊर्जा प्राप्त की जाती है? एटीपी में। साथ में दोस्तों एटीपी की फुल फॉर्म भी हमें अच्छे से याद रखनी है। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडीनोसिन ट्रायो फास्फेट। ठीक है, एडीनोसिन ट्रायो फास्फेट। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। मिनमाता रोग का कारण है, दोस्तों मिनमाता रोग होता है पारे के कारण। साथ में दोस्तों एक चीज़ और याद रखनी है, यदि कैडमियम की अधिकता होती है तो उसके कारण भी एक बीमारी होती है जिसे क्या बोलते हैं? इटाई इटाई। तो दोस्तों दोनों बातें अच्छे से याद रखनी है, पारे की अधिकता से होता है मिनमाता रोग और कैडमियम की विषाक्तता या अधिकता से होता है इटाइटाई रोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किस रक्त समूह को सर्वव्यापी दाता कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है दोस्तों? यूनिवर्सल डोनर की बात हो रही है यहाँ पे, जो सबको ब्लड ग्रुप अपना दे सकता है सबको ब्लड, तो ये है दोस्तों ओ। ओ में भी दोस्तों जो ओ नेगेटिव है वो सबको अपना ब्लड ग्रुप दे सकता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन है ओ, तो हम ओ को ही सही मानेंगे। और यदि दोस्तों पूछा जाए कि किस रक्त समूह को सर्वव्यापी ग्राही कहा जाता है, जो सबका ब्लड ग्रुप ले सकता है, तो दोस्तों वो होगा ब्लड ग्रुप ए बी। जो ब्लड ग्रुप ए बी है वो सबसे अपना ब्लड ग्रुप ले सकता है। ठीक है, और वो क्या कहा जाता है? सर्वव्यापी दाता। और सर्वव्यापी ग्राही किसे कहा जाता है? ब्लड ग्रुप ए बी को। ठीक है, दोनों अच्छे से याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटॉक्सिन का स्रावण करती है? दोस्तों कौन सी ग्रंथि करती है ये? पीयूष ग्रंथि। तो आपको अच्छे से याद रखना है, पीयूष ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटॉक्सिन का स्रावण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। मानवों में गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिगुणता के लिए त्रिगुणता उत्तरदायी है, तो दोस्तों ये कौन सा है? आपका ऑप्शन सी, डाउन सिंड्रोम।
दोस्तों अच्छे से याद रखना है, गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिगुणता के कारण कौन सी बीमारी होती है? डाउन सिंड्रोम। ये दोस्तों सारी हैं जितनी भी मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं ऑप्शन में है, ये दोस्तों सारी आनुवांशिक बीमारियाँ हैं। ठीक है, जहाँ पे हम हीमोफीलिया की बात करें दोस्तों, तो हीमोफीलिया में दोस्तों रक्त का थक्का नहीं जमता, ठीक है, और डाउन सिंड्रोम गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिगुणता के कारण होती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं कि सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं, दोस्तों किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? ऑप्शन बी, जांघ की हड्डी। और दोस्तों हड्डी का क्या नाम है? फीमर। फीमर नामक दोस्तों जांघ की हड्डी शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। और दोस्तों यदि हम बात करें शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो वो दोस्तों होती है कान की हड्डी, जिसका क्या नाम है? स्टेपी। ठीक है, स्टेपी है कान की हड्डी जो सबसे छोटी हड्डी होती है, और फीमर जांघ की हड्डी जो सबसे बड़ी हड्डी होती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, हेरोइन का रासायनिक नाम है, तो दोस्तों क्या है हेरोइन का रासायनिक नाम? इसका आंसर है ऑप्शन ए, मॉर्फिन डाई एसीटेट। ठीक है दोस्तों, अच्छे से याद रखना है, हेरोइन का रासायनिक नाम है मॉर्फिन डाई एसीटेट। नेक्स्ट है, शरीर के किस हार्मोन की कमी से मधुमेह होता है? तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, किस हार्मोन की कमी से होता है मधुमेह रोग? इंसुलिन की कमी के कारण। ठीक है, नेक्स्ट है, मनुष्य गुणसूत्र बना होता है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को लेकर बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। दोस्तों आपको अच्छे से याद रखना है, जो मनुष्य गुणसूत्र है वो द्विसूत्री डीएनए से बना होता है। ठीक है, द्विसूत्री डीएनए से। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, डीएनए अणु के दोनों सूत्र अपने अपने नाइट्रोजनी क्षारक द्वारा किस बंध से जुड़े होते हैं? तो दोस्तों ये किस बंध से जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से। ठीक है, नेक्स्ट है, एड्स के उपचार में निम्न में से किस प्रकार की औषधियों का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, दोस्तों एड्स में जिन दवाइयों का प्रयोग किया जाता है वो किस टाइप की होती हैं? एंटी रेट्रोवायरल टाइप की। ठीक है, एंटी रेट्रोवायरल टाइप की दवाइयों का प्रयोग एड्स के उपचार के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जीन्स जो विपरीत लक्षणों के संकेतक हैं कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं दोस्तों? अलील। ठीक है दोस्तों, अच्छे से याद रखना है, जीन्स जो विपरीत लक्षणों के संकेतक है क्या कहा जाता है उनको? अलील। नेक्स्ट है, मनुष्य में जैविक घड़ी कहलाती है, दोस्तों जैविक घड़ी है वो कौन सी है? आपकी पिनियल ग्रंथि, पाइनियल ग्रंथि को दोस्तों जैविक घड़ी कहा जाता है। साथ में इसका एक और नाम है, इसे दोस्तों तीसरा नेत्र या थर्ड आई भी कहा जाता है। ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है, पिनियल ग्रंथि को क्या? जैविक घड़ी या तीसरा नेत्र कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चों में सूखा रोग तथा वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस का कारण है, तो दोस्तों इसका कारण क्या है? विटामिन डी की कमी। ठीक है दोस्तों, बच्चों में सूखा रोग और वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस का कारण ये दोस्तों कौन सा है? विटामिन डी की कमी। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव नेत्र के जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है, दोस्तों किस भाग पर, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ये बनता है दोस्तों रेटिना पर या दृष्टि पटल पर। ठीक है दोस्तों, अच्छे से याद रखना है, रेटिना या दृष्टि पटल पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन्स में आमतौर पर मिलने वाली एमिनो अम्लों की संख्या होती है, दोस्तों आपको अच्छे से याद रखना है, जो प्रोटीन्स है वो 20 प्रकार के एमिनो अम्लों के मिश्रण से बने होते हैं। तो आपका आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन बी, 20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉटसन एवं क्रिक ने डीएनए के मॉडल को प्रस्तावित किया, तो ये किया था दोस्तों ऑप्शन सी, 1953। इसके लिए दोस्तों इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था, तो आपको अच्छे से याद रखना है दोस्तों, वॉटसन और क्रिक ने डीएनए मॉडल को कब प्रस्तावित किया था? 1953 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुनेन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है, दोस्तों ये कौन सी है? दोस्तों जो
कुनैन जो मलेरिया की एक प्रमुख औषधि है ये दोस्तों सिनकोना सिनकोना नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है जो एक आवर्तबीजी पादप है। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए आवर्तबीजी पादप। और दोस्तों पेड़ का क्या नाम है? सिनकोना नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है। ठीक है, कुनैन नामक मलेरिया की एक प्रमुख औषधि। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, आरएच रोग के क्या लक्षण है? दोस्तों बड़ा पेट है, तेज हृदय गति है, ऊर्जा की कमी है। दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी ये सभी। दोस्तों आरएच रोग के क्या लक्षण है? बड़ा पेट, तेज हृदय गति और ऊर्जा की कमी। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, मिर्ची से उत्पन्न जलन का कारण है। दोस्तों मिर्ची में एक पदार्थ पाया जाता है कैप्सिसिन नाम का, जिसके कारण मिर्ची से जलन उत्पन्न होती है। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर है कैप्सिसिन, मिर्ची में उत्पन्न जलन का क्या कारण है? कैप्सिसिन। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है दोस्तों ऑप्शन डी स्कर्वी। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, नेत्र का भाग जिसका प्रत्यारोपण कर सकते हैं। दोस्तों किसका प्रत्यारोपण किया जा सकता है? पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, तो कॉर्निया का। और दोस्तों रेटिना के बारे में हमने पढ़ा था कि रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, और किस भाग का प्रत्यारोपण किया जा सकता है? कॉर्निया का। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, शरीर का कठोरतम भाग है। दोस्तों शरीर का कठोरतम भाग कौन सा है? एनामेल। एनामेल दोस्तों शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, जो हमारे दांतों के ऊपर की जो परत पाई जाती है, परत चढ़ी होती है, वो दोस्तों एनामेल की बनी होती है, जो शरीर का सबसे कठोर भाग है। ठीक है, अच्छे से याद रखना है, शरीर का सबसे कठोर भाग है एनामेल। नेक्स्ट है दोस्तों, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विषम लक्षण चुने थे? तो ये चुने थे दोस्तों ऑप्शन ए 7 विषम लक्षणों को उन्होंने चुना था मटर के पौधे पर। ठीक है, नेक्स्ट है, आरएनए अणु में थायमिन के स्थान पर पाया जाने वाला नाइट्रोजिनस क्षारक है, तो यह है दोस्तों यूरेसिल। आरएनए में थायमिन के स्थान पर क्या पाया जाता है? यूरेसिल। नेक्स्ट है दोस्तों, फेरोमोन्स पाए जाते हैं। दोस्तों फेरोमोन्स कीटों द्वारा स्रावित किए जाते हैं, ये दोस्तों विपरीत लिंगी कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कीटों द्वारा छोड़े जाते हैं। ठीक है, अच्छे से याद रखना है दोस्तों, फेरोमोन्स कीटों द्वारा स्रावित किए जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा तत्व जीवित शरीर में सर्वाधिक होता है? तो ये होता है दोस्तों ऑप्शन बी कैल्शियम। कैल्शियम जीवित शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस फसल में एजोला एनाबिना जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है? दोस्तों अच्छे से याद रखना है, एजोला एनाबिना जैव उर्वरक का उपयोग कौन सी फसल में किया जाता है? चावल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है वह उत्तेजना का अनुभव होता है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन सी एंड्रेनलिन हार्मोन। दोस्तों ये एंड्रेनलिन हार्मोन होता है, ये इमरजेंसी में या खतरे के समय स्रावित होने वाला हार्मोन है। ये दोस्तों खतरे के समय व्यक्ति को डिसीजन लेने के लिए उसको उस टाइम पे स्रावित होता है, जब व्यक्ति को कोई डिसीजन लेना हो, इसलिए दोस्तों इसे करो या मरो हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, खतरे के समय दोस्तों व्यक्ति को डिसीजन लेने में ये हेल्प करता है। कौन सा हार्मोन है? एंड्रेनलिन हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट है, एंथोफोबिया निम्न का डर है। दोस्तों एंथोफोबिया किसका डर होता है? पुष्पों का। ठीक है, और पानी के डर को क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया। तो एंथोफोबिया पुष्पों का डर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो दोस्तों ग्रहण की गई वायु और हमारे द्वारा छोड़ी गई वायु में नाइट्रोजन की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है,
नाइट्रोजन की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, मानव जाति में लिंग निर्धारण किस विधि पर आधारित है? तो यह है दोस्तों XX और XY पर, ठीक है। नेक्स्ट है, सफेद किट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है। तो दोस्तों ये गेहूं का काफी फेमस रोग है, सफेद किट्टू, ठीक है। नेक्स्ट है, गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण निम्न में से किसकी उपस्थिति है? तो ये है दोस्तों, आपको दोस्तों अच्छे से याद होना चाहिए, गाय का दूध जो हल्के पीले कलर का होता है वो कैरोटीन के कारण होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी, कैरोटीन, ठीक है दोस्तों। तो अच्छे से याद रखना है, कैरोटीन के कारण दूध का रंग हल्का पीले कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, इंसुलिन हार्मोन का स्रावण निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो ये होता है दोस्तों ऑप्शन सी, लैंगर हंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं के कारण। दोस्तों लैंगर हंस की दीपिकाएं होती है ये अग्नाशय का ये एक भाग होता है, उसमें भी दोस्तों जो लैंगर हंस की दीपिकाओं में भी दोस्तों बीटा कोशिकाएं होती हैं, उनके कारण इंसुलिन हार्मोन का स्रावण किया जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है? दोस्तों ये किस विटामिन के कारण होती है? विटामिन के, ऑप्शन डी। ये दोस्तों मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, रक्त में पाए जाने वाले प्रोथ्रॉम्बिन के साथ रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करता है विटामिन के, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा आम सर्दी का कारण बनता है? तो यह है दोस्तों राइनो वायरस, जो राइनो विषाणु है ये आम सर्दी का कारण बनता है। आम सर्दी किसके कारण होती है? राइनो विषाणु के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली नहीं है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा है वो वास्तविक रूप से एक मछली नहीं होती, ठीक है, अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है, मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है? दोस्तों मॉर्फिन होती है आपके फूल से, मॉर्फिन दोस्तों फूल से प्राप्त की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, नवजात शिशु को जन्म के कितने समय पश्चात डीपीटी का टीका लगाया जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों 6 सप्ताह पश्चात, ठीक है, 6 सप्ताह पश्चात नवजात शिशु को जन्म के 6 सप्ताह पश्चात डीपीटी का टीका लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? दोस्तों ये हमें पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दोस्तों ये कौन सी होती है सबसे छोटी हड्डी? ऑप्शन बी, स्टेपीज, ठीक है। और यदि दोस्तों, और ये किसकी हड्डी होती है? कान की हड्डी, ठीक है। और दोस्तों यदि बात करें हम सबसे बड़ी हड्डी की, दोस्तों जो हमारी जांघ की हड्डी होती है जिसे हम किस नाम से जानते हैं? फीमर, वो दोस्तों शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, ठीक है। और सबसे छोटी हड्डी होती है कान की हड्डी, स्टेपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोटीन की दृष्टि से किस भोजन का जैविक मान सर्वाधिक है? दोस्तों जो सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है वो सोयाबीन में पाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है प्रोटीन की दृष्टि से जो सर्वाधिक जिसका जैविक मान होता है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? सोयाबीन में, ठीक है, अच्छे से याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं, तो ये ले जाए जाते हैं दोस्तों ऑप्शन बी, क्रोमोसोम द्वारा, ठीक है, अच्छे से याद रखना है। आनुवांशिक लक्षण किसके द्वारा ले जाए जाते हैं? क्रोमोसोम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में निम्न धातु होती है? दोस्तों हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? आयरन, ठीक है। साथ में दोस्तों आपको हीमोग्लोबिन का कार्य भी याद रखना है। दोस्तों जो हीमोग्लोबिन होता है वो शरीर के सभी भागों तक उसका कार्य क्या होता है?
ऑक्सीजन का संवहन करना, ठीक है। शरीर के सभी भागों तक तो ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है हीमोग्लोबिन, जिसमें कौन सी धातु पाई जाती है? आयरन। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, लैक्टोज बना होता है, तो लैक्टोज बना होता है ऑप्शन सी ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज का, ठीक है। नेक्स्ट है लौंग प्राप्त होता है, तो दोस्तों जो लौंग होती है ये पुष्प की कली होती है, ठीक है, तो पुष्प कली से प्राप्त की जाती है लौंग, ठीक है। नेक्स्ट है पेनिसिलिन को प्राप्त किया जाता है, तो पेनिसिलिन को प्राप्त किया जाता है ऑप्शन ए कवक के द्वारा। साथ में दोस्तों ये भी याद रखना है जो पेनिसिलिन की खोज की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, ठीक है। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोज की गई थी और किससे प्राप्त की जाती है? कवक से। नेक्स्ट है 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? दोस्तों ये हम पहले भी देख चुके हैं, 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? लगभग 9 किलो कैलोरी। और यदि हम बात करें तो 1 ग्राम प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट से कितनी किलो कैलोरी प्राप्त होती है? 4 किलो कैलोरी। और वसा से कितनी होती है? 9 किलो कैलोरी, ठीक है। नेक्स्ट है जल की तरल प्रकृति का कारण है, तो यह है दोस्तों ऑप्शन बी हाइड्रोजन बॉन्ड, तो जल की तरल प्रकृति का कारण हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट है ब्रक या किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, दोस्तों आपको अच्छे से याद रखना है ब्रक नली का, आपको इंग्लिश में याद रखना है ये नेफ्रॉन्स, ठीक है ना। ब्रक की यानी किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है? नेफ्रॉन, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मनुष्य में श्वसन दर होती है, तो ये होती है दोस्तों ऑप्शन डी 17 से 19 प्रति मिनट, मनुष्य में श्वसन दर। साथ में दोस्तों ये भी याद रखना है जो हृदय दर होती है मनुष्य में वो कितनी होती है? 72 प्रति मिनट, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है, दोस्तों हृदय की धड़कन किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? ऑप्शन बी पेसमेकर के द्वारा, ठीक है ना। पेसमेकर के द्वारा हृदय की धड़कन को नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट है आंवला तथा हरी मिर्च किसके स्रोत है? दोस्तों जो खट्टी चीजें होती है जितनी वो विटामिन सी के स्रोत होते हैं ज्यादातर, दोस्तों आंवला और हरी मिर्च किसके स्रोत है? विटामिन सी के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की एक योजक कड़ी है? तो यह है दोस्तों सरीसृप और पक्षी के बीच की कड़ी है आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से बंदर का क्लोन है, दोस्तों बंदर का क्लोन कौन सा है? ऑप्शन बी एंट्री। साथ में दोस्तों ये भी याद रखना है जो डॉली है वो किसका क्लोन है? भेड़ का, ठीक है। बंदर का क्लोन है एंड्री और भेड़ का क्लोन है डॉली। नेक्स्ट है मलेरिया नामक रोग कौन से मच्छर के काटने से फैलता है? तो मलेरिया नामक रोग फैलता है दोस्तों एनीफिलीज मादा मच्छर के काटने से, ठीक है। ये एक मादा मच्छर होती है एनीफिलीज, नर नहीं होता, आपको ध्यान रखना है अच्छे से, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी एनिफ्लीज मादा मच्छर के काटने से होता है मलेरिया रोग। नेक्स्ट है टिटनेस किस वजह से होता है? दोस्तों ये सारी बीमारियाँ आपको याद होनी चाहिए कि कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से होती है और कौन सी वायरस से, दोस्तों यहाँ हम बात करें तो टिटनेस होता है बैक्टीरिया से, ठीक है। टिटनेस किससे होता है? बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एपिक इंडिका है एक,
तो दोस्तों जो एपिकेंडिका है वो मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है, एपिक इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन का कौन सा समूह जल में घुलनशील है, तो कौन सा है आपको अच्छे से याद रखना है दोस्तों, जो विटामिन बी और सी है वो जल में घुलनशील है, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी। और दोस्तों जो बाकी विटामिन है वो वसा में घुलनशील है, ठीक है, दोनों आपको अच्छे से याद रखने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अनुवांशिकीय इकाई है, तो अनुवांशिकीय इकाई कौन सी है, ऑप्शन ए जीन, ठीक है, निम्नलिखित में से अनुवांशिकीय इकाई है जीन। नेक्स्ट है, सबसे कम पाया जाने वाला रक्त समूह है, दोस्तों सबसे कम पाया जाने वाला रक्त समूह है वो है ब्लड ग्रुप ए बी। ब्लड ग्रुप ए बी दोस्तों सबसे कम पाया जाने वाला रक्त समूह है, आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल से प्राप्त होने वाला मसाला है, दोस्तों फल से प्राप्त होती है काली मिर्च, और लौंग के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, लौंग किससे प्राप्त होती है, पुष्प कली से, और दोस्तों फल से कौन सी मसाला प्राप्त होता है, काली मिर्च, ठीक है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में विटामिन ए का संचय होता है, दोस्तों विटामिन ए का संचय होता है वो होता है लीवर में, ठीक है, पूछा जा सकता है दोस्तों विटामिन ए का संचय कहाँ होता है, क्या बोलोगे, लीवर, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक तना है, दोस्तों काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये, दोस्तों जो आलू है वो एक प्रकार का तना है, ठीक है, अच्छे से याद रखना है दोस्तों, आलू क्या है, एक तना। नेक्स्ट है, मनुष्य रोग के किस भाग का प्रत्यारोपण संभव है, दोस्तों पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, तो किस भाग का प्रत्यारोपण संभव है, यहां दोस्तों नेत्र था, इसको काट के नेत्र कर लेना, मनुष्य नेत्र के किस भाग का प्रत्यारोपण संभव है, तो वो है कॉर्निया, ठीक है। नेक्स्ट है, हैजा किस जीवाणु द्वारा होता है, तो हैजा होता है दोस्तों ऑप्शन सी बैक्टीरिया, आपको अच्छे से याद रखना है, हैजा किससे होता है, बैक्टीरिया से, और बैक्टीरिया का क्या नाम है दोस्तों, बेब्रियो कॉलेरा, ठीक है, बेब्रियो कॉलेरा नामक बैक्टीरिया के कारण होता हैजा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का पिरामिड होता है, दोस्तों ऊर्जा का पिरामिड क्या सा होता है, हमेशा सीधा, ठीक है दोस्तों अच्छे से याद रखना है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर की वस्तु देखने की मानक दूरी है, तो दूर की वस्तु देखने की मानक दूरी क्या है दोस्तों, ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर, अच्छे से याद रखना है दोस्तों, दूर की वस्तु देखने की मानक दूरी है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरी बेरी बीमारी किसकी कमी से होती है, तो दोस्तों बेरी बेरी बीमारी किसकी कमी से होती है, विटामिन बी की कमी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चर्बी युक्त विटामिन कौन सा है, तो चर्बी युक्त विटामिन है दोस्तों इनमें से राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन है वो चर्बी युक्त विटामिन है, ठीक है। नेक्स्ट है, सामान्य व्यक्ति की नब्ज की गति किसके मध्य में होती है, तो ये होती है दोस्तों 70 से 80 प्रति मिनट, या हम कई बार दोस्तों बोलते हैं इसे 72 प्रति मिनट, ठीक है, तो कितने से कितने के बीच में होती है, 70 से 80 के बीच में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक मूत्र का अपसामान्य घटक है, तो दोस्तों कौन सा है, ये ऑप्शन डी कीटोन निकाय, कीटोन निकाय है वो मूत्र का अपसामान्य घटक है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, तो दोस्तों सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, विटामिन डी, ठीक है, सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, तो दोस्तों जो हीमोग्लोबिन का कार्य है वो क्या है,
शरीर के सभी भागों तक ऑक्सीजन पहुंचाना, ऑप्शन सी, शरीर के सभी भागों तक ऑक्सीजन का संवहन करना हीमोग्लोबिन का कार्य है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो दोस्तों एनीमिया किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से। ठीक है, एनीमिया होता है आयरन कमी से, जबकि इंसुलिन की कमी से क्या होता है? डायबिटीज। ठीक है, नेक्स्ट है H1N1 वायरस किस बीमारी से संबंधित है? दोस्तों इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जहाँ पे हमने बर्ड फ्लू पढ़ा था, तो अगर आपने वो क्वेश्चन देखा है तो आपको अच्छे से पता होगा H1N1 वायरस किस बीमारी से संबंधित है, स्वाइन फ्लू। और यदि बात करें बर्ड फ्लू की, तो बर्ड फ्लू होता है H5N1 वायरस के कारण। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा पौधा परजीवी या मृतजीवी है? तो ये कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन बी मशरूम। मशरूम है जो परजीवी या मृतजीवी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ईसीजी शरीर के किस अंग के रोग को जांचने के लिए की जाती है? दोस्तों ईसीजी की जाती है हृदय की बीमारी का पता लगाने के लिए। और साथ में दोस्तों आपको ईसीजी की फुल फॉर्म भी अच्छे से याद होनी चाहिए, क्या होती है ये? इलेक्ट्रो, मैं यहां लिख देता हूं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है, साथ में दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि ईसीजी हृदय की बीमारी का पता लगाने के लिए की जाती है ईसीजी, और दोस्तों ब्रेन के लिए की जाती है, ब्रेन के लिए भी दोस्तों इसी प्रकार की एक जांच की जाती है, उसे बोलते हैं ईईजी, जिसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। ठीक है ना, ब्रेन के लिए की जाती है ईईजी और हृदय के लिए की जाती है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, पायरिया रोग मुख्यतः शरीर के किस भाग से संबंधित है? तो पायरिया रोग होता है दोस्तों दांतों से संबंधित, जिसमें दांतों से खून बहता है। ठीक है, नेक्स्ट है अफीम के पौधे को कौन सा हिस्सा औषधीय महत्व का है? दोस्तों औषधीय महत्व का है दोस्तों अफीम के जो कच्चे फलों का दूध होता है वो औषधि के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, आपको उसे अच्छे से याद रखना है दोस्तों, जो अफीम के पौधे के जो कच्चे फलों का दूध होता है वो औषधीय महत्व के काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? दूध को दोस्तों पूर्ण आहार कहा जाता है, क्योंकि दूध में लगभग सभी तरीके का विटामिन पाए जाते हैं, लेकिन दोस्तों विटामिन सी होता है जो, वो दूध में नहीं पाया जाता है। तो आपका आंसर है ऑप्शन बी विटामिन सी, विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है भोपाल गैस रिसाव कांड में कौन सी जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? दोस्तों काफ़ी बड़ी घटना थी उस टाइम की, तो आपको अच्छे से याद रखना है कि कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, ऑप्शन बी मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है ना, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था भोपाल गैस रिसाव कांड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, गाय के थनों से दूध उतारने वाला हार्मोन है? दोस्तों गाय के थनों से दूध उतारने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीटोसिन। ठीक है दोस्तों, इसके लिए दोस्तों ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं, ठीक है ना, गाय और भैंसों में। ठीक है, तो कौन सा है ये हार्मोन? ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य का संग्रहण करता है वह कहलाता है? तो दोस्तों ये क्या कहलाता है? प्रकंद। ठीक है दोस्तों, अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य का संग्रहण करता है उसे क्या बोलते हैं? प्रकंद। नेक्स्ट है दोस्तों, ट्रेकोमा बीमारी का संबंध है? दोस्तों ट्रेकोमा बीमारी का संबंध किससे है? आँख से। ये दोस्तों ट्रेकोमा है जो आँख की बीमारी है, आँख में भी यदि हम बात करें तो जो कॉर्निया है उससे संबंधित है दोस्तों, इसमें दोस्तों कॉर्निया के साइज में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, इसलिए ट्रेकोमा कौन सी बीमारी दोस्तों? आँख से संबंधित बीमारी है, जिसमें
कॉर्निया में वृद्धि होती है। ठीक है ये दोस्तों सारी बातें याद रखनी है आपको। नेक्स्ट देख लेता हूँ, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? लीवर या यकृत, ठीक है ना, लीवर या यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट है दोस्तों, साबूदाना जो एक भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोग में आता है उसे प्राप्त किया जाता है। दोस्तों साबूदाने को किससे प्राप्त किया जाता है? साइकस के प्लांट से, ठीक है, साइकस के प्लांट से साबूदाने को प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, पीसीआर से जांच होती है। दोस्तों पीसीआर से किसकी जांच होती है? पीसीआर से जांच होती है एचआईवी की। एचआईवी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों ह्यूमन इम्यूनो वायरस, जिसके कारण एड्स नामक बीमारी होती है, और एड्स को क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और दोस्तों यदि हम बात करें पीसीआर की, दोस्तों पीसीआर की फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है आपके। तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होती है पॉलीमराइज चैन रिएक्शन, ठीक है, तो पॉलीमराइज चैन रिएक्शन पीसीआर की फुल फॉर्म, जिससे एचआईवी की जांच की जाती है। ठीक है नेक्स्ट है दोस्तों, आरबीसी का जीवन काल है। दोस्तों आरबीसी का जीवन काल होता है ऑप्शन सी 120 दिन। दोस्तों इसी तरीके से हमें याद रखना है, यदि पूछा जाता है डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो वो होता है दो से चार दिन। पूछा जाए दोस्तों प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है, तो वो होता है दोस्तों 3 से 5 दिन। दोस्तों सारी बातें याद रखनी है, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन, डब्ल्यूबीसी का 2 से 4 दिन, और प्लेटलेट्स का 3 से 5 दिन। और प्लेटलेट्स का उपयोग क्या होता है? प्लेटलेट्स का रक्त का थक्का जमाने का, ठीक है। दोस्तों लगभग ये सारे क्वेश्चन दोस्तों वो हैं जो दोस्तों लगभग आपके राजस्थान के एग्जाम में दोस्तों रिपीट होते रहते हैं। दोस्तों यदि आपने पूरा वीडियो देखा है, अच्छे से समझा है दोस्तों सारी चीज़ें, दोस्तों आपको आने वाली आपका जो लैब असिस्टेंट का पेपर है उसमें काफ़ी लाभ होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। ठीक है दोस्तों।